हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर WDS सर्वर इन विंडोज सर्वर 2016। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्लिक करेंगे स्टार्ट पे और सेलेक्ट करेंगे सर्वर मैनेजर। WDS को कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहले हमें एक रूल को इनेबल करना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विसेज। एड रूल्स एंड फीचर्स पे क्लिक करेंगे, इस विंडो को नेक्स्ट करेंगे, इस विंडो को भी नेक्स्ट करते हैं। सर्वर ऑलरेडी सेलेक्ट हुआ, नेक्स्ट करते हैं। नीचे करेंगे, यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आ रहा होगा विंडो डिप्लॉयमेंट सर्विसेज का, इस पर चेक लगाएंगे। जैसे ही मैंने विंडो डिप्लॉयमेंट सर्विसेज पे चेक लगाया, मेरे पास एक और पॉपअप आ गया, इस पर मैं एड फीचर्स पे क्लिक करूंगा, नेक्स्ट करते हैं इसको, इस विंडो को भी नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस आते हैं, डिप्लॉयमेंट सर्वर और ट्रांसपोर्ट सर्वर, इन दोनों पे चेक लगा होना चाहिए WDS के लिए। नेक्स्ट करते हैं, रीस्टार्ट द डेस्टिनेशन सर्वर ऑटोमेटिकली इफ रिक्वायर्ड पे चेक लगा दीजिएगा, यस करते हैं इस विंडो को और इंस्टॉलेशन पे क्लिक करते हैं। इंस्टॉलेशन शुरू हो चुकी है, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। क्लोज करते हैं इस विंडो को और यहां पे आप देख सकते हैं आपके पास WDS का ऑप्शन आ चुका है। टूल पे क्लिक करेंगे और सेलेक्ट करेंगे विंडो डिप्लॉयमेंट सर्विसेज। विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विसेज ओपन हो चुका है, यहां पे आपके सर्वर आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे, यहां पे आपके सर्वर का नाम आ जाएगा, जो भी आपके सर्वर का नाम होगा। मेरे सर्वर का नाम है विन 2016, तो वो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है और ये आगे मेरी डोमेन का नाम है, इसको ओपन कर लेते हैं। अभी लिखा हुआ आ रहा है कि कोई चीज़ हमने कॉन्फ़िगर नहीं की है, तो फर्स्ट स्टेप है इस पर राइट क्लिक करेंगे और सेलेक्ट करेंगे कॉन्फ़िगर सर्वर को। नेक्स्ट करते हैं इस विंडो को, यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, पहला है इंटीग्रेट विद एक्टिव डायरेक्टरी और दूसरा है स्टैंड अलोन सर्वर। मेरे पास ऑलरेडी एक्टिव डायरेक्टरी कॉन्फ़िगर हुई भी है, तो मैं इसलिए सेलेक्ट कर रहा हूँ इंटीग्रेट विद एक्टिव डायरेक्टरी। नेक्स्ट करते हैं इसको, यहाँ पे आप WDS का पाथ बताते हैं, जो भी आपको पाथ रखना है, आप चाहें तो उस फोल्डर का नाम चेंज भी कर सकते हैं। मेरे पास एक ही पार्टीशन है सी, तो मैं उसी में कॉन्फ़िगर करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ, तो मैं फ़िलहाल इसको नेक्स्ट करता हूँ। वार्निंग मैसेज आ गया है, असल में ये इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही पार्टीशन है और मैं उसी के अंदर जो है वो कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ इसको, इसलिए इसको यस करते हैं। DHCP का आ गया है, इस पर चेक लगा हुआ है, इसको भी नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे आप लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, रिस्पॉन्स टू ऑल क्लाइंट कंप्यूटर नो एंड अननोन, और यहाँ पे आप अप्रूव द कंप्यूटर यूजिंग द पेंडिंग डिवाइसेस पे चेक लगाएंगे और नेक्स्ट करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुकी है, इस विंडो को फिनिश कर दें। WDS कॉन्फ़िगर हो चुका है, एक दफ़ा उस पाथ को चेक कर लीजिएगा जहां पे आपने WDS कॉन्फ़िगर किया है। सी में जाते हैं, मैंने सी में किया है और मेरे फोल्डर का नाम था रिमोट इंस्टॉल, इसको ओपन करते हैं। यहां पे कुछ फाइल्स आ रही हैं, अब मैं आपको बताऊंगा किस तरह से इंस्टॉलेशन इमेजेस को ऐड किया जाता है और बूट इमेजेस को ऐड किया जाता है। सबसे पहले इंस्टॉलेशन इमेज पर राइट क्लिक करेंगे और सेलेक्ट करेंगे एड इंस्टॉल इमेज। यहाँ पे आप इसका नाम चाहें तो चेंज कर सकते हैं, मैं रख देता हूँ फिलहाल विंडोज 10, मेरे पास विंडो 10 है, इसको नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे आप इमेज फाइल को ब्राउज करेंगे, ब्राउज करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैंने एक ISO फाइल को जो है वो ऐड कराया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये CD-ROM की देख सकते हैं आप, CD-ROM में आ रही है। यहाँ पे जाएंगे, सोर्स में जाएंगे और यहाँ पे आपको वो फाइल मिल जाएगी image.vim की, इसको सेलेक्ट करेंगे और ओपन पे क्लिक करेंगे। ये फाइल सेलेक्ट हो गई है, इसको नेक्स्ट करते हैं। मैंने जो इमेज फाइल सेलेक्ट की है उसके अंदर दो विंडोज़ के वर्जन्स हैं, एक प्रो है एक होम है, तो उसने दोनों शो कर दिए हैं। मैं फ़िलहाल इसको नेक्स्ट करता हूँ। समरी आ गई, एक दफ़ा ज़रूर चेक कर लीजिएगा और नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। इस प्रोसीजर में थोड़ा सा टाइम लगता है, इमेज फाइल ऐड होती है, इमेज फाइल सक्सेसफुली ऐड हो चुकी है, फिनिश करते हैं इस विंडो को।
यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरी फाइल का नाम लिखा हुआ आ चुका है, जो मैंने लिखा था विंडो 10, और यहाँ पे दोनों वर्जन आ चुके हैं। अब बूट फाइल को भी इसी तरीके से ऐड करेंगे। राइट क्लिक करते हैं बूट इमेज पे और सेलेक्ट करेंगे ऐड बूट इमेज, ब्राउज करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे मैंने ब्राउज किया एक फाइल आ रही है boot.vim की, इसको सेलेक्ट करते हैं, ओपन पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करते हैं, इसको नेक्स्ट करेंगे, समरी आ चुकी है। ये छोटी सी फाइल है, बहुत जल्दी ऐड हो जाती है एज़ कम्पेयर टू इंस्टॉलेशन इमेज फाइल के। इसको नेक्स्ट करते हैं, बूट इमेज सक्सेसफुली ऐड हो चुकी है हमारे सर्वर में। इसको फिनिश करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि बूट फाइल आ गई है और विंडोज़ की ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूँ कि फाइल्स आ चुकी हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा किस तरह से WDS सर्वर कॉन्फ़िगर किया जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।